नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। और याद रखें, 4 और 5 नवंबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। आपको याद है कि हमारा जो तथा कथित लिबरल मीडिया, लुटियंस मीडिया, उसने 14 पत्रकारों के कांग्रेस पार्टी द्वारा या इंडी अलायंस द्वारा बैन किए जाने पर कितनी खुशियां मनाई थी। लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया है। आज मामला उल्टा यूं पड़ गया है कि चाइना से पैसे लेने के मामले में जो न्यूज़ क्लिक नाम का जो प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल था, उसके बहुत सारे जर्नलिस्ट के यहाँ रेड पड़ी है। संजय जौरा हैं उसमें, प्रवीर पुरकायस्थ हैं उसमें, अभिसार शर्मा वो लिपस्टिक वाले वो भी हैं उसके अंदर, और परंजय गुहा ठाकुरता हैं, सोहेल हाशमी हैं, और बताया जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के यहाँ भी लोग पहुँच गए हैं, और एक पुराने NDTV के मैनेजिंग एडिटर अनिंद्यो चक्रवर्ती, इन लोगों के नाम आए हैं कि भाई इन लोगों के यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है चाइना से पैसा लेने के मामले में, और उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने का भी उनके ऊपर चार्ज है। दिल्ली पुलिस और ED की संयुक्त रेड है, और उस संयुक्त रेड में कम से कम 4 लोगों को पुलिस उठाकर ले गई है, और यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उनको केवल पूछताछ के लिए ले जाया गया है या कि उनको अरेस्ट भी किया गया है। इनमें 3 नाम तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो है प्रवीर पुरकायस्थ, अनिंदो चक्रवर्ती और अभिसार शर्मा। अब ये अभिसार जी जो हैं, ये तो बहुत ही स्पेशल हैं। आपको पता है ये कितने बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे कि इन्होंने तो मिलकर चिदंबरम साहब के साथ में और कई बड़े बड़े राइट विंगर्स के ऊपर भी हाथ डाल दिया था। खैर, अब ये न्यूज़ क्लिक का जो मामला है ये कहाँ से खुला? देखिए, आप यदि पिछले 3-4 महीने में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेफ्टिस्ट सपोर्टेड जो लिबरल मीडिया है, इसमें आपस में भी कुछ ऐसा लगता है कि झगड़े हो गए हैं। क्योंकि पहले आपको ध्यान है कि वो टेक फॉग वाला मामला आया था, और उस समय फेसबुक और वायर में बड़ा टसल हुआ था, और बाद में वायर को जो है वो अपनी वो टेक फॉग वाली जो स्टोरी थी वो सारी की सारी हटानी पड़ी थी। तो उस समय ये दिखा था कि भाई लेफ्ट लिबरल मीडिया में कहीं पर क्रैक्स आ रहे हैं। अब यह वाला जो हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे कि भाई ये जो पूरा का पूरा एक्सपोजर हुआ वो कहाँ से हुआ? वो हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स से। ये आरंभ जो है कोई भारतीय एजेंसियों ने नहीं किया, ये इनके ही एक खुफिया, हम कहेंगे कि मोल ने, कह सकते हैं उसको, कि उसने ये पूरा का पूरा वो उजागर किया कि किस तरह से एक बड़े व्यक्ति नेविल रॉय सिंघम, जो श्रीलंका डिसेंट के हैं, अमेरिकन हैं, वो किस तरह से चाइनीज़ मीडिया के साथ सहयोग करके और अमेरिका में भी और भारत में उन्होंने न्यूज़ क्लिक का पूरा एक्सपोजर किया कि किस प्रकार से न्यूज़ क्लिक को 38 करोड़ रुपए जो है वो नेविल रॉय सिंघम की जो फाउंडेशंस हैं उनके द्वारा स्थानांतरित किए गए, ट्रांसफ़र किए गए। और उन 38 करोड़ रुपयों का क्या हुआ, उसका भी काफ़ी कुछ उल्लेख आया कि साहब वो बड़े बड़े लोगों को, उसमें अभिसार शर्मा भी थे और उसमें परंजय गुहा ठाकुरता भी थे, पुराने इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली वाले, वहाँ से भी वो हटाए गए थे। आपको ध्यान है, वहाँ से भी इसलिए वो हटाए गए थे कि उन्होंने कुछ इस प्रकार के कार्य किए थे जिनमें उन्होंने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती थी, और उनके विरुद्ध ये आरोप लग गया था कि वो पक्षपात करते हैं। अभिसार शर्मा, तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे गए, ये भी बताया गया। तो एक इसमें आज़ाद अशरफ भी हैं, बाय द वे वो न्यूज़ क्लिक के लिए लिखते हैं,
और न्यूज़ क्लिक का जो पोर्टल है उसमें एजाज अशरफ भी आते हैं, लेकिन उनका नाम मुझे इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? वो जावेद अशरफ के भाई हैं, हो सकता है जावेद अशरफ ने बचा लिया हो। जावेद अशरफ कौन है? जावेद अशरफ भारत के राजदूत हैं पेरिस में, तो ये कनेक्शन भी आ सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई देखिए, वही सारे पत्रकार जो 14 पत्रकारों को नामित करने पर और 14 पत्रकारों को इंडी अलायंस द्वारा यह कहने पर कि वो उनका बहिष्कार करेंगे, उनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, यही लोग तालियां बजा रहे थे। और आज जो है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उठ खड़ा हुआ है। भाई ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का क्या लेना देना है? ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया खड़ा हो गया है, अभी एडिटर्स गिल्ड तो नहीं देखा मैंने, लेकिन एडिटर्स गिल्ड में भी वो सीमा मुस्तफ़ा हैं, वो भी लेफ्टिस्ट हैं भाई। और ये सारे लेफ्टिस्ट जो हैं, इनको हमारा सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्या सोच के उनको ऑनर करता है। और तीस्ता सीतलवाड़ का तो आपको पता ही है, तीस्ता सीतलवाड़ को तो लगता है कि वो पूरा का पूरा जो ये चाइना फंडेड मीडिया स्कैंडल जो है, जैसे ही तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर गिरफ्तारी का दबाव पड़ेगा तो माननीय माई लॉर्ड्स जो हैं वो फिर उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि ए बाकी सब तो ठीक है, तीस्ता सीतलवाड़ को कैसे टच किया? वो हमारे एमसी सीतलवाड़ की बेटी है, पता है ना कि एक बार यदि कोई सुप्रीम कोर्ट रह लिया तो वो उस क्लब का सदस्य हो जाता है, उस क्लब के किसी सदस्य पर हाथ नहीं डाल सकते। एमसी सीतलवाड़ जो थे वो भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं पहले, उनके जो पिताजी थे वो आपके जलियांवाला बाग कमीशन में भी उन्होंने कहते हैं कि क्लीन चिट दी थी अंग्रेज़ों को। तो ये है तो हैं, तो सब उसी पूरे इकोसिस्टम के ही तो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। हमारा जो पूरा माइलॉर्ड सिस्टम है वो भी उसी इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है। लेकिन भाई ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों इनके खिलाफ खड़ा हो गया? बड़े बड़े बड़ी ही सोचने की बात है। राजदीप सरदेसाई भी वो निंदा कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि ओ मीडिया का गला घोटा जा रहा है। बेटा वो जो 14 को बैन किया था तब मीडिया का गला नहीं घोटा जा रहा था, और अब जो चाइना से पैसा लेके प्रोपगेंडा स्टोरी चलाते थे, गलवान में जब युद्ध हुआ था तब ये कहते थे कि ये गलवान में चाइना सही है भारत गलत है, कोविड में भारत की जो भी स्टोरी थी उसको दबाते थे और चीन को कहते थे कि भाई चीन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कोविड में, तब ये सारे के सारे सही थे। प्रवीर पुरकायस्थ कौन है? प्रवीर पुरकायस्थ एक घोर लेफ्टिस्ट है, और आपको ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि ये पूरा का पूरा जो फंडिंग हो रहा है नेविल रॉय सिंघम का, वो केवल इसी की तरफ नहीं हो रहा है, एक और कोई ट्राई कॉन्टिनेंटल करके एक थिंक टैंक और बनाया हुआ है उसने, और उस ट्राई कॉन्टिनेंटल थिंक टैंक के जो बेनिफिशरी हैं उनके नाम सुनेंगे आप, पी साईनाथ, मैग्सेसे अवार्ड विनर। ये मैग्सेसे अवार्ड क्या है? ये मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन इनके द्वारा संचालित होता है। रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है? रॉकफेलर फाउंडेशन जो है वो CIA की जन्मदाता है। आप सोचते हैं कि CIA स्टेट एजेंसी, वो बात सही है, लेकिन CIA को सबसे पहले इस्टेब्लिश इसी रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया था। अब ये रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन मिलके मैग्सेसे अवार्ड देती है, तो आप समझ जाइए किन लोगों को देती है। ये उन्हीं लेफ्टिस्ट को देती है जो कि आपके अमेरिकन डीप स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाती हैं, ऐसे लोगों को ही ये सपोर्ट करते हैं। तो ये नेविल रॉय सिंघम जो हैं, एक तरफ तो काम कर रहे हैं चाइना के लिए, और दूसरी तरफ इनके जो लिंक हैं वो रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के भी साथ हैं। तो देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है ये किसी का नहीं है, ये अमेरिका का भी नहीं है, ये अमरीकी समाज को भी तहस नहस करने में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तो हम आपको यही बता सकते हैं, इस समय की ताज़ा खबर तो ये है कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है, अभिसार शर्मा जी हैं उनसे पूछताछ चल रही है, उनका फ़ोन
उनका फ़ोन ले लिया गया है, उनका फ़ोन अब उनके पास उपलब्ध नहीं है, वो उनको बड़ा दुख है इस बात का कि भाई उनका फ़ोन उनके पास अब नहीं है। और प्रवीर पुरकायस्थ के साथ पूछताछ चल रही है, अनिंदो चक्रवर्ती के साथ पूछताछ चल रही है, बाकी और जो लोग हैं भाषा सिंह भी हैं उसमें, उनका भी फ़ोन इत्यादि ले लिया गया है, लेकिन संभवतः उनको अभी तक डिटेन नहीं किया गया है। तो देखते जाइए, हम लगातार आपको इसमें आगे जो भी और डेवलपमेंट होता है उससे हम आपको बिल्कुल वाकिफ़ रखेंगे, तरोताज़ा रखेंगे। फ़िलहाल तो ये है, अब एक नया नैरेटिव बन गया है कि जो लिबरल मीडिया है उसको देश के साथ घात, विश्वासघात और पूरी तरह से देश के साथ गद्दारी करने का भी हक होना चाहिए, ऐसी मांग आ रही है हमारे लुटियंस मीडिया की ओर से। लेकिन भाई साहब, ये भारत है, यहाँ पर कई लोग चीन से पैसा लेने के आरोप में, पत्रकार भी एक, वो शर्मा जी थे याद है ना, वो जेल जा चुके हैं, जेल की हवा खा चुके हैं। आप लोग कोई विशेष नहीं है, न्यूज़ क्लिक वालों मस्त रहो, वैसे ही तुम्हारे जो है वो सारे के सारे जो व्यूज़ और जितने भी आपके सब्सक्राइबर बेस है वो तो डाउन है ही, वो बदनाम हो चुके हो। अब थोड़ा जेल की हवा खाओ और आगे बताओ क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।